नमस्कार दोस्तों, आज हम 8 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को देखने चल रहे हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, 6 अप्रैल को। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में खाद्य और औषधि प्रशासन ने कहा इट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर सी है, जम्मू कश्मीर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कहा 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है बी, यूएई में। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेज़बानी करेगा। तो इसका राइट आंसर सी है, पश्चिम बंगाल। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर बी है, 5 सदस्यों को। ठीक, छठवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ए, भारत। हाल ही सातवां प्रश्न है, हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर सी है, सुत्सुमु ओटानी। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है। तो इसका राइट आंसर बी है, इजराइल। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा। सी ऑप्शन है, केरल। सी इसका राइट आंसर है। दसवां प्रश्न है, हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगा। इसका बी जो कि है राइट आंसर है, मुंबई। ग्यारहवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला। इसका राइट आंसर सी है, यूक्रेन। बारहवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। तेरहवां प्रश्न है, हाल ही में ICC मेंस T20 आई क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर सी है, किम कार्टन। चौदहवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है। तो ए राइट आंसर है, लद्दाख। पंद्रहवां प्रश्न है, हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर सी है, डॉक्टर नित्या अब्राहम को। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।